सेवेंटी करोड के छोटे इशू साइज के साथ जिस कंपनी का आईपीओ ट्वेंटी सेकंड से ट्वेंटी सिक्स ऑफ सितंबर तक ओपन रहने वाला है वो है मनोज वैभव जेम्स एंड लिमिटेड एज द नेम सजेस्ट ये एक ज्वेलरी स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है जो आज अपने थर्टीन शोरूम्स के साथ साउथ इंडिया के रीजनल ज्वेलरी मार्केट में अपनी एक अच्छी प्रेजेंस रखती है वैसे तो ये गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ डायमंड प्लेटिनम और सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स में भी डील करते हैं बट आज अपना मेजर रेवेन्यू ये सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी से ही अर्न करते हैं इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाने वाले तीन पॉजिटिव पॉइंट्स पे अगर बात करें तो पहला है इसकी फेयर वेल्यूशन इस जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में जहां कुछ कुछ कंपनी सिक्सटी से भी ज्यादा के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है वहीं इस आईपीओ को अगर हम देखें तो एफवाई की ईपीएस के हिसाब से भी ये सिर्फ इलेवन एंड हाफ से ट्वेल्व के पी मल्टीपल पर जा इज़ वेरी रीजनेबल उसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी काफी डिसेंट साइड है जिसमें पिछले कुछ सालों से एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ जहां टॉप लाइन में इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिखी है वहीं बॉटम लाइन में इनके नेट प्रॉफिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है एंड लास्टली इस आईपीओ से रेज किए फंड्स को भी ये कंपनी आठ नए शोरूम्स को ओपन करने में यूज करने वाली विच इज अगेन इनकरेजिंग बट ऑन द कंसर्निंग साइड नो तो एक लिमिटेशन पॉइंट यह कि अभी इनके सारे शोरूम्स सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन्हीं दो स्टेट्स में कन्फाइंड है जिसके चलते इनकी प्रेजेंस फिलहाल काफी लिमिटेड सी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके प्रमोटर्स ने कंपनी की कुछ बोरइंग्स के लिए अपनी पर्सनल गारंटीज तक भी दिए हुए जो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा नेगेटिव है बट सिर्फ ओवरऑल अगर इस इशू को एनालाइज करें तो अपनी फेयर वैल्यूशन और अट्रैक्टिव फाइनेंशियस के चलते ये सिर्फ एक पॉजिटिव आईपीओ लग रहा है जो कि अच्छे सब्सक्रिप्शन नंबर का सपोर्ट मिलने पर डिसेंट लिस्टिंग गेंस देखे जा सकते हैं